हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है त्रिलोचना। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी को लाइक करना मत भूलें। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजा पालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया, जहां तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने तय किया कि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा, अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आवाहन किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया कि तो वह उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतना तेज हवा थी कि वह पाव जमाना बड़ा मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान भी अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह योग साधना में सिद्धांत थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। ना कुछ खाना पीना, ना सोना और आराम करना भूलकर साधना में लीन रहे। आखिरकार पवन देव ने सुधी ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मद मद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हैं। अपनी इच्छा बता। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कहा कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सांसारिक यज्ञ में उनकी उपस्थिति संभव है। वह अगर शरीर गए तो वह विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगी। सारे लहाते खेत, पेड़, पौधे, महल और गाड़ियां सब कुछ उजड़ जाएगी। रही उनकी उपस्थिति बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है। इसीलिए वह अप्रक्षक रूप से उन महाजग में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझ कर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्व्यवस्था का सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उसके बाद उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपया से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आए। जब ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को मंत्र करने का व्यवहार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलते हुए सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसके बाद वह दोहराया कि महाराज विक्रमादित्य महायज्ञ का कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वह पवन देव की तरह विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सब शरीरिक वहां सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया तो वो बोले कि अगर वह जग में सम्मिलित हो गए तो उनके साथ अथाह जल भी आ जाएगा और उनके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय की स्थिति पैदा हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है तो समुद्र देवता बोले कि वह विक्रम को
को सकुशल महायज्ञ संपन्न करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अस्पष्ट रूप से जग में उपयोगत पति विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। जग में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी मैं उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और 1 घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसके पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उसे बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाते। उसके ना नुकर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकते हैं। राजा जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन वेग से उस विक्रमा को दरबार में ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जागी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रमादित्य को उसके समुद्र देवताओं को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सवितरा बताई तो उन्होंने उसके दिए हुए पुहार को दे दिए, तो उन्होंने उसे 5 रत्न तथा घोड़े का उसे ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां उसने राजा की खातिर हंसकर झेली। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर फूला नहीं समाया। तो ये थी आज की हमारी कहानी त्रिलोचना। तो यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। सो धन्यवाद। इसी प्रकार मिलते हैं हम अपनी